कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कि कृष्ण तुम्हारे ही नाम में जीवन अब व्यतीत करेंगे पर तुम्हें याद ही करेंगे, तुम लौट कर आओ ये जरूरी नहीं क्योंकि अब हम तुम्हारे इंतजार के साथ जिएंगे। मत आना लौट कर ए कृष्ण, हमें प्रेम है तुम्हारे इंतजार से, कि तुम्हारी जो तड़प है कृष्ण अब हमें और जला रही है कि तुम्हें पाने की चाह हमें, हम और कुछ करें। तो गोपियां सभी मिलकर यमुना के किनारे आकर बैठी हैं, राधा जी कृष्ण के साथ गई है तो राधा के भी मन में अभी अभिमान आ गया कि अगर कृष्ण मुझको उनसे बराबर समझते तो मुझे अपने साथ थोड़ी लाते, कृष्ण मुझे भी उनसे अलग मानते हैं। अब राधा के मन में से जैसे मान दूर हुआ है और यह विचार की कि मेरे भगवान उनको भी छोड़कर चल दी। राधा जी भी उनको वह मिल गई है, कहा क्या हुआ राधा जी, कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैंने भी कर लिया और जब मैंने अभिमान अपनाया, किया नहीं अपनाया केवल सोचा ही था कि मेरा कृष्ण मुझे भी त्याग कर चला गया। सभी गोपियां यमुना के किनारे बैठी है और गोपी गीत के माध्यम से अपने कृष्ण को याद कर रही है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वहि द्रता चिस्मताम भी चिन्मते सरदुदासे साधु जातस्त सरसिजोधर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते असुल्क दाशिकाम वर्धनिघ्नतो नेह की वदन विश्वजलाप्य याद व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वेदुधानलात व्याल राक्षसाद वर्ष मार्थ ते वयम प्रभो रक्षिताम। कि गोपी अपने भाव में देखिए ऐसे बह चुकी है कि जब व्यक्ति प्रेम की अंतरिक्ष सीमा में चला जाता है और जिस व्यक्ति का चिंतन करता है प्रेम में फिर वो खुद भी वही बन जाता है, ये प्रमाण है यह सत्य है। प्रेम करते करते उसका भी रूप उस जैसा ही हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। कि गोपियां भी चिंतन था तो कृष्ण का, मन में कृष्ण, वाचन में कृष्ण हमें क्यों छोड़कर चले गए, बुद्धि में भी कृष्ण, अंदर हृदय में भी कृष्ण, याद में भी कृष्ण, तो कृष्णमय बन गए। एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझकर, एक गोपी अपने आप को पूतना समझकर, तो जो गोपी अपने आप को कृष्ण समझ रही है वो जाकर के जिस गोपी ने अपने आप को पूतना समझा उसके ऊपर बैठ गई। एक गोपी अपने आप को वह कृष्ण मान रही है जिसने गिरिराज धरण को उठाया और कहने लगी आओ मेरी शरण में मैं तुम्हें रक्षा प्रदान करूंगा। एक गोपी अपने एक हाथ में बंसुरी ले अपना पैर टेढ़ा कर खड़ी हुई है कि आओ अरे सभी सखियों आओ तो सही, वह अपने आप को कृष्ण समझ बैठी है। एक गोपी जाकर पेड़ पर बैठ गई, कहा मैं तुम्हारे वस्त्र उठाने वाला हूँ जल्दी से चले आओ, मानो कृष्ण मान बैठी है, कोई चीर हरण लीला कर रही है, कोई अपने आप को गिरिराज का वह कृष्ण मान रही है जिसने उस छोटे से कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया। बुद्धि और शुद्धि दोनों बिसरा कर कृष्णमय बन गई। प्रेम किया जाए तो ऐसा कि आपको भी फिर होश ना रहे कि मैं क्या हूं और वो ही बन जाओ। आकर्षण प्रेम नहीं होता, वह हृदय से होता। और गोपियां और राधा जी अब उसकी प्रेम रूप की धारा में बैठे अपने आप को कृष्ण रूपी अग्नि में तड़पा रही है, जला रही है, नेत्र से आंसू बहे चले जा रहे हैं कि कृष्ण तुम यह बताना चाहते हो कि तुमसे जो प्रेम करता है उसके जीवन में दुख आ जाते हैं, तो फिर कृष्ण तुमसे कोई प्रेम क्यों करेगा जब तुम खुद बता रहे हो कि मेरे प्रेम में केवल और केवल दुख भरे हैं, तो कृष्ण कोई फिर तुमसे प्रेम नहीं करेगा, फिर सब कृष्ण तुमसे प्रेम करना छोड़ देंगे, इसलिए हे कृष्ण अब चले आओ और मत तड़पाओ। कृष्ण तुमसे प्रेम तो मां सीता ने भी किया था, गोपियों को देखिए हर बात का ज्ञान था,
कृष्ण तुमसे प्रेम तो हमारी, मतलब वह कृष्ण को ताने रूप में अब बोल रही है कि शायद कृष्ण गुस्सा करके आ जाओ, कृष्ण तुम ऐसे ही उनको भी कष्ट दिया तुमने और अब हमें भी कष्ट दे रहे हो, कृष्ण चले आओ, लौट कर आओ। अब फिर से लौट कर कृष्ण को लाने के बोलने लगी, तो हमारे भगवान भक्त का इतनी तड़प नहीं देख सकते, तड़पा सकते हैं पर तड़प जब बढ़ जाती है, अग्नि में भक्त जल जाता है, तो मेरे भगवान उसकी जीवन में चले आते हैं और देखते ही देखते कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण उनके जीवन में चले आए। एक गोपी दौड़कर कृष्ण के चरण पकड़ लेती, एक कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है, एक उनको टेढ़ी नजरों से देख रही है मानो खा ही जाएगी। और ऐसे प्रेम में गोपियां कृष्ण को अब पूछ रही है, कृष्ण क्या बात है, बोलो तुम दूर क्यों चले गए, आखिर तुम हमें बताना क्या चाहते हो लाला। कृष्ण ने कहा प्रेम के कुछ रूप होते हैं, जिसके जीवन में प्रेम पूर्ण रूप से कर लिया उसको प्रेम से फिर मतलब जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए वो प्रेम नहीं करता। एक वो होता है जिससे प्रेम करे न करे उसको कोई मतलब नहीं, आत्मराम और आप्तकाम। एक वो जो किसी से प्रेम करे पर उसे बदले में प्रेम न मिले, एक वो, और एक वो जिससे प्रेम जो करता है उससे प्रेम तो हमने किया नहीं बल्कि उसको और तड़पाया है, वो होता है गुरुद्रोही। तो कहा कृष्ण तुम हमें गुरुद्रोही लगते हो, हमने तुमसे प्रेम किया तो तुमने हमसे प्रेम नहीं किया बल्कि हमें और तड़पाया है लाला, क्या तुम यही बताना चाहते हो कि जो प्रेम करता है उसे तड़पना पड़ता है। तब वह जो गोपियां हैं, तो कृष्ण ने कहा गोपियों जहां प्रेम के बदले प्रेम हो वहां स्वार्थ बन जाता है, पर जहां एक व्यक्ति प्रेम करे और दूसरी ओर प्रेम करने वाला ना हो वहां पे जो प्रेम की तड़प होती है वो उसे सच्चा बना देती है। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण, वो तड़प उसे सच्चा प्रेम करना सिखाती है, इसलिए गोपियों वह फिर सच्चा प्रेम बन जाता है। अगर इनके शब्द भी देखोगे तो कोई भी पूरा नहीं है, ना प्रेम पूरा, बाकी के शब्द आप जानते हो पूरा एक भी शब्द नहीं है, तो प्रेम पूरा कहाँ से होगा, पर आपने हृदय से मेरे लिए तड़प की इसलिए मुझे आना पड़ा। अब जितनी गोपियां उतने मेरे कृष्ण बन गए और उनके साथ मिलकर के बड़ी सुंदर हमारे भगवान रास करते हैं, आनंद में और प्रेम में कृष्ण द्वारा रास की गई है। राधा नाचे गोपिन नाचे, नाचे रे गोपिन जन, हे सखी पोरी मोरो मन बन गयो वृंदावन। राधा नाचे गोविंद नाचे, नाचे रे गोपिन जन, हेरी सखी मन मोरो प्यारो बन गयो वृंदावन। ऐसा अपने हृदय को वृंदावन बनाओ तो कृष्ण अपने आप उसमें आकर के विराजमान हो जाएंगे। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। तब गोपियों ने कृष्ण को प्रेम की महत्ता बताई, कृष्ण ने उनको प्रेम समझाया है। चाहे तो कृष्ण राधा से प्रेम कर उन्हें पा सकते थे, बड़ी बात नहीं, पर बताया कि जो हृदय से एक तत्व हो जाते हैं वो कभी एक नहीं हो सकते। जिनका प्रेम हृदय से एक हो जाए उन दो तत्वों को फिर कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही भगवान द्वारा भेजे गए दो हृदय हैं, पर हृदय का तत्व उनका एक होता है, इसलिए वो दो हृदय वाले कभी एक तत्व नहीं बन सकते, इसलिए उनका प्रेम उनको नहीं मिलता। तो कृष्ण की ऐसी भारी रास हुई कि वहां पर आ गए कामदेव। कृष्ण ने कहा आप कौन, कहा हम कामदेव हैं, हमारे सेवा जहां पर एक पुरुष और एक स्त्री मिले वहां पर हम अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, फिर हमें बुलाना थोड़ी पड़ता है। तो कहा बोलिए,
कहा कि भगवान किले का युद्ध करोगे या फिर घर का, एक और भाव में। तो भगवान ने कहा कि किले का ही युद्ध करेंगे अब तो भाई, मैदान का पूर्ण रूप से। कहा ठीक है। तो कहा कामदेव जी आप समझे नहीं, कहा मतलब कि जब शिवती सर नयन उभारा तब आपको याद होगा। कामदेव ने कहा प्रभु चिंता ही मत कीजिए, आप बता रहे हैं भगवान पहले से ही उनको बताना चाह रहे हैं। परंतु वो अपने समस्त हथियार लेकर वहां पहुंचते हैं चलाने हेतु काम रूप में, पर हमारे भगवान ने यह काम लीला नहीं की, यह काम को जीतने की लीला थी, यह प्रेम को जीतने की लीला थी। शिव ने जब इतनी सुंदर लीला को देखा तो मेरे भगवान भोलेनाथ ने कहा इतनी आनंदमय लीला अब तो हम भी नहीं रुकेंगे, हमें भी जाना पड़ेगा। और कहने लगे पार्वती से कि हम भी जाएंगे। पार्वती जा रही थी तो पार्वती ने कहा वहां कृष्ण के अलावा कोई और नहीं आ सकता, और कोई अलाउड नहीं है वहां पर मेरे कृष्ण के अलावा। तो शंकर ने कहा हमें नहीं पता, हम तो जाएंगे। तो कहा भगवान वहां स्त्रियां हैं केवल अनुमति प्रदान आने के लिए। तो कहा मुझे स्त्री बना दो। एक दिन वो बोले भंडारी बन के गोपिका नारी ब्रज में आ गए, अपना रूप बना लिया है गोपी सा, चूड़ी इत्यादि पहनकर इतना इतना अपने घूंघट ढक लिया और उस रास में पहुंच गए और उन सभी के साथ आनंद में नृत्य करने लगे। और कृष्ण ने यह जैसे ही देखा मोहन समझ गए सारी बात। कृष्ण सारी बात समझने में कृष्ण को समय नहीं लगा, और ऐसी बजाई बंसी कि शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ ने। ऐसी बंसरी का निनाद किया मेरे कृष्ण ने, वेणु वारद वरद कृष्णा वेणु वादती, कि कृष्ण जब बंसरी बजाते थे तो फिर सामने वाले को शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था। और भोलेनाथ नृत्य तो भगवान का तांडव है तो साधारण नृत्य कर कैसे लेवे। तो भोले बाबा ने जैसे ही वो बंसरी सुनी और खो गए और अपने ही आनंद में नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते सर से दुपट्टा वो जो था वो खिसक गया, हट गया। तब से हमारे भोलेनाथ को गोपेश्वर महादेव कहा जाने लगा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। गोपेश्वर महादेव बन गए, क्योंकि देखिए शिव और कृष्ण तत्व अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व ऐसे कहा जाता है। जब राम पूजा कर रहे थे तो उनसे पूछा कि शंकर की पूजा, तो कहा राम चैव ईश्वर, कि राम के हैं जो ईश्वर वो है रामेश्वर। शंकर भगवान से जाकर ये बात कही तो कहा बिल्कुल नहीं, रामश्च एव ईश्वर, कि राम है जिसके ईश्वर वो है रामेश्वर। ब्रह्मा जी से जाकर कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा इनकी तो ऐसी बात बनेगी नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा राम एव ईश्वर रामेश्वर, कि राम है जिसके ईश्वर और जो है राम के ईश्वर राम च ईश्वर वो है रामेश्वर। कि राम के हैं जो ईश्वर और जो ईश्वर है राम वो ही हो गए रामेश्वर। तो कहिए रामेश्वर भगवान की जय, कि वो फिर तत्व प्रेम में एक बन जाते हैं सज्जन। ऐसी सुंदर लीला हुई भगवान भोलेनाथ प्रेम की शाखा में अपनी शुद्ध और बुद्ध बिसरा गए थे। यह आगे भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो भगवान ने काम को जीतने की लीला की है रास लीला। यह रास पंचाध्याय भागवत जी का हृदय माना जाता है। व्यक्ति जब जीवन में अपने हृदय को शुद्ध करके श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्य और आत्मनिवेदन भाव को अपने हृदय में जागृत कर लेता है,
भगवान की कृपा हो, व्यास की बखानी और हरिदास की जब उस पर कृपा हो जाए तो वह रास प्रसंग सुनने का अधिकारी बन जाता है। यह परमात्मा की प्रेम को समझाने की लीला थी कि प्रेम काम स्वरूप नहीं हो सकता, आपका हृदय प्रेम स्वरूप बन जाए वही बहुत है। बड़ा ही सुंदर हमारे भगवान वर्णन करते हैं। तत्पश्चात आइए आगे की कथा में। आज हम हमारे भगवान को विवाह भी तो कराना है, तो उधर आगे भगवान की विवाह की कथा की ओर अग्रसर आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रेम से कहिए ना जाए इससे कष्ट। सुंदर भगवान ने रास की लीला की है, अनेकानेक उद्धार किए हैं फिर भगवान ने अरिष्टो असुर व्योमी केश इत्यादियों का। नारद पहुंच गए कंस के पास, कहा नारायण नारायण, भाई कृष्ण को जन्मे इतना समय हो गया क्या हुआ? कहा क्या बताऊं भगवान, इतने असुर भेजता हूं हर बार अलग अलग, पर पता नहीं क्या बालक है सबको मार के भेज देता है वापस मेरे पास। कहा मुझे नहीं पता, परसों तुम्हारे हाथ से मैं उसकी मृत्यु देखना चाहता हूं। जो शिव का धनुष है उसके यहां पर तुम बड़ा आयोजन रखो। कहा ठीक है भगवान, जो आज्ञा। सुंदर कंस द्वारा अपने यहां उस धनुष हेतु मेला रखा गया है। अक्रूर जी को बुलाया गया है और अक्रूर जी से कृष्ण को लाने के बारे में कहा गया। बड़ी लंबी वार्ता थी, अक्रूर जी नहीं माने तो उनके परिवार के बारे में उनसे कहा गया। कुछ में वर्णन है कि अक्रूर जी की एक परमात्मामय मूर्ति कंस द्वारा छुपा ली गई और उनको हृदय कि उनको हृदय से यह बात बताया गया है कि कृष्ण को कैसे ही करके आपको बुलाकर लाना पड़ेगा। अक्रूर जी बेचारे निकले हैं कृष्ण को लाने, सफर जो था वो ज्यादा ही लंबा हो गया और कृष्ण और बलराम इधर अपनी गैया इत्यादि चराकर लौट रहे थे, तो कहा भगवान क्या हुआ, अपनी लीला पूर्ण कीजिए, कंस को मारिए, मुझे नहीं पता, परसों आपके हाथों से कंस की मृत्यु देखना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा वहां क्या बोलकर आए? कहा भगवान आप तो मेरी समझते हैं लीला, क्या कहूं अब आपसे। तो भगवान इसलिए मैं आपको प्रेम से कहता हूं कंस का उद्धार। कृष्ण ने कहा अपने आप हो जाएगा, जैसे ही उसका मटका फूटा पाप का पूर्ण भर चुका है, अब चिंता मत कीजिए जल्द ही उद्धार होगा। अक्रूर जी पहुंचे हैं और पहुंच करके मैया को आए हैं, कहा अरे काका कैसे आपका आना हुआ? कहा चलो चलो घर चलते हैं। घर में लेकर गए, अक्रूर जी से मिलन हुआ, बातचीत हुई है। अक्रूर जी ने कहा है कि मैं तो कृष्ण को लेने आया हूं। जैसे ही मैया ने सुना कि दौड़कर कृष्ण और बलराम को पकड़कर अपने पास बैठा लिया, कहा नहीं मैं लाला को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। कहा अरे केवल कल कल की बात है, परसों तो हम इन्हें वापस लेकर आ जाएंगे, केवल वहां पर मेला देखा आनंद प्राप्त किया और हम चले आएंगे। मैया ने कहा मैं अपने कृष्ण को एक क्षण भी अपने से दूर नहीं होने देती, परसों तक कैसे मानूंगी मैं नहीं जाने दूंगी कृष्ण को। नंद बाबा आकर मैया को समझाने लगे, कहा रे देवी कभी ये कृष्ण ऐसे बलराम ऐसे ही कहीं नहीं जाते, चिंता मत करो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। तो आज्ञा मिल गई। रात को कृष्ण के नेत्र खुले, हाथ पास किया तो देखा मैया नहीं है, तो उठ गए, कहा अरे मैया कहाँ गई, और इधर उधर मैया कहीं दिखी नहीं। बाहर आकर देखा तो मैया एक खंभे से अपना सिर लगाए रो रही है, नेत्रों से मैया के अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। कहा मेरा कृष्ण मुझसे दूर चला जाएगा, मेरा लाला मुझसे दूर चला जाएगा। कृष्ण ने आकर कहिया मैया क्यों रोती हो, मैं आपसे वादा करता हूं ना परसों पक्का लौट कर आऊंगा। कहा लाला देख परसों आ जाना। कहा मैया चिंता मत करो परसों लौट आऊंगा। तो कृष्ण ने मैया को समझाया है और मैया को समझाकर कृष्ण पुनः अपनी विश्रामालय में शयन करने गए। पर इस बात का दुख कृष्ण को भी है कि मैं मैया से झूठ बोल रहा हूं। सुबह जैसे ही हुई
कृष्ण को ले जाने के लिए क्रूर अपना रथ साफ कर रहे थे और महल का दरवाजा खुला है कि हजारों लाखों की संख्या में गोपियां बैठी है। कहा, कृष्ण तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें जाने देंगी? हम तुम्हें नहीं यहां से जाने देंगे। अब बात करें ये गोपियां कौन है। देखिए इसका वर्णन यह आता है कि जो श्रुति रूपा कि जिस समय भाई राम दंडक वन से गुजरे हैं तो वहाँ के जो मुनि इत्यादि थे उनके मन में भगवान को अपने पति स्वरूप पाने की इच्छा हुई तो वह सभी गोपियाँ बनी और भगवान से रास की। कुछ कच्छप कन्याएं जो थी उन्होंने भी भगवान को कच्छप अवतार में देखा तो पति स्वरूप पाने की चाह की, उनके साथ रास की भगवान ने। कुछ मत्स्य कन्या, कुछ दैत्य कन्या, कुछ श्रुति रूपा और कुछ साक्षात वेद के मंत्र वो वहाँ पर गोपियाँ बनकर आए। हमारे जो कर्म कांड है, उपासना कांड है, कर्म कांड के वह 80,000 मंत्र गोपियां बनकर आए। इसलिए देखिए जब रास भी हुई तो गोपियों के पतियों को वर्णन यह है कि पता नहीं चला कि हमारी पत्नियां हमसे दूर है, क्योंकि उनकी पत्नियां तो उनके पास में थी, वेद मंत्र वहां पहुंचे थे। वही बात यही है कि यह सब वेद मंत्र इत्यादि है जो भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए यहां पर अवतरित होकर आई थी। तो हमारे भगवान, देखिए प्रेम से सुनिए कि हमारे भगवान ने कहा कि अरे क्या हुआ, कहा कृष्ण हम तुम्हें जाने देंगी? ये क्रूर, यह अक्रूर हमारे जीवन में क्रूर बनकर आया है, या कहें तो ये क्रूर ही हमारे जीवन में अक्रूर बनकर आया है जो तुम्हें हमसे दूर ले जाना चाहता है लाला। तो हमारे कृष्ण कहते हैं कि गोपियों चिंता मत करो, मैं परसों तक लौट कर चला आऊंगा, विश्वास कीजिए। अच्छा, कहा हाँ पक्का? कहा देख लो। कहा हाँ, मैं हम कह रहे हैं ना एकदम पक्का परसों तक लौट कर चले आएंगे। कहा तुम्हारी इच्छा ठीक है। और परसों की बात कृष्ण कहकर बाहर निकले। रथ पर बैठे हैं नंद बाबा, बैठे हैं एक रथ में, एक में कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर चले कि अब आगे देखे तो राधा रानी जी मार्ग के बीच में बैठे। कहा कृष्ण तुमने ये विचार कर लिया कि इन सब ने जाने दिया तो मैं जाने दूंगी तुम्हें? कृष्ण मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम लौट कर। इतने में कृष्ण ने राधा जी को चुप कर दिया। कहा राधा जी आप मेरी लीला जानते हो कि मुझे जाना होगा वरना मैं लीला को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, और आप और मैं तो एक ही तत्व है, मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। राधा द्वारा कृष्ण को जाने की अनुमति मिली है। कृष्ण चले हैं कि कृष्ण थोड़ी ही दूर पर रथ में बैठकर चले कि पीछे से यशोदा दौड़ी आई। अरे लाला रुक जा, अरे मोहे लाला बेटा, अरे राजा रुक जा। कृष्ण बलराम रथ से कूद कर दौड़ पड़े। माँ ने दोनों में अंक में भर लिया और कहा लाला मोहे तो आज पतो चालियो कि तू मोरो लालो ही ना है। कि कृष्ण मुझे आज पता चला तू तो मेरी संतान ही नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र था। जीवन में कभी ये दुख मत करना कि एक ग्वालिनी ने तुझे कितना दुख दिया, तूने एक माखन मांगा कि तुझे मैंने उखल से बांध दिया, कितना डांटा है खाना, कभी ये मत सोचना। मैं तो एक इस गांव की ग्वालिन हूं। कृष्ण भी नेत्रों से आंसू प्रवाह कहे माया आपका ऋण मैं जीवन लेने अगला भी ले लो तो भी उऋण नहीं हो पाऊंगा, इतना ऋण है आपका तो मुझ पर, और आप ऐसी बात बिल्कुल मत बोलिए। तो मैया कहने लगी लाला मेरा क्या अधिकार मैं तुझे अब रोकूं, तू मेरी तो संतान ही नहीं। और कृष्ण मैया से कहा मैया यह बात मन में बिल्कुल मत लाओ, मैं आपका ही हूं। और वहां से यह बात कहकर भगवान चले हैं। मथुरा में कंस ने सबको यह बात कह दी थी और सबका परिवेश यह बात कहकर कह दिया कि कृष्ण और बलराम आए तो कोई भी उनके स्वागत सत्कार उन्हें देखने के लिए कोई भी मार्ग पर नहीं निकलेगा। तो कृष्ण और बलराम ने जब प्रवेश किया है तो सभी अपने घर की अटारिकाओं से भगवान के स्वागत हेतु पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि नीचे से हम नहीं उसका दर्शन कर सकते, ऊपर से तो कर सकते हैं। इसलिए
हमने ऊपर से भगवान के स्वागत सत्कार किया है, उन्होंने स्वागतम कृष्णम देवा, प्रवेश करते जा रहे हैं कि सब कृष्ण को देख रहे हैं, बलराम को देख रहे हैं। मथुरा बाग में जाकर सभी ने विश्राम किया है। कृष्ण ने बाबा से कहा, बाबा हम थोड़े विचरण कर रहे हैं। बाबा ने कहा, हाँ लाला कोई बात नहीं, चलियो जाए। मित्रों को साथ लेकर, एक छोटा सा मित्र भी है कृष्ण के साथ, जो मेरे भगवान की उंगली पक, आज कृष्ण की उम्र है लगभग 11 साल, और उंगली पकड़कर भगवान के साथ बह रहा है, जा रहा है, कि भगवान ने देखा कि मेरे मित्रों के पास वस्त्र अच्छे नहीं है, तो एक धोबी की दुकान पर गए। उसे जाकर कहा कि भाई मामा श्री, ऐसे कीजिए हमारे सखाओं को कुछ वस्त्र दे दीजिए, हम यहाँ पर नए आए हैं और कल हमें मेला भी देखना है, इसलिए कुछ वस्त्र चाहिए। तो भगवान ने तो प्रेम से कहा, पर वो जो धोबी था वो गुस्से में आकर बोला कि तुम ग्वारिये बेझड़ की रोटी खाने वाले हमारे यहाँ राजशाही वस्त्र पहनोगे, चुपचाप चले जाओ, वरना जो कंस ने काम करने के लिए बुलाया है हम वो पहले ही कर देंगे। इतने में वो भगवान का छोटा सा सखा आया, कहा तू मेरे लाला को जाने ना है, इसने का का कियो है। इतने में तो वो डंडा उठाकर आया ही था कि मेरे लाला ने छोटे से हाथ से उसके चांटा मारा कि नस जाकर कहीं दूर गिरी। हाकार मच गया, रे पूतना मारी वो आ गया, रे सकटासुर तृणावत मारने वाला आ गया, रे व्योमी केशासुर मारने वाला आ गया, भागो भागो, सब भागने लगे। कहा वारे लाला तोहे तो सब जाने हैं। और कृष्ण उनके साथ आगे बढ़े, तो मित्र तो इतने ही थे और वस्त्र इतने बड़े बड़े, तो एक दर्जी के यहाँ गए जो मेरे भगवान का परम भक्त था। उसने मेरे भगवान के मित्रों के वस्त्रों को सही से उनके नाप के किया और उसे जिंदगी भर खुशी रहने का मेरे भगवान ने वचन दिया। आगे बढ़े हैं तो एक सिदाम नाम के माली ने मेरे भगवान को माला पहनाई है, उसको भी भगवान ने आशीर्वाद दिया सदैव खुश रहने का। आगे बढ़े, भगवान ने कहा और सब ठीक है, अब केवल माथा सूना है, चंदन नहीं है। कितने में ही सामने से एक बड़ी ही ऐसे लग रहा था कि उसकी बड़ी जो उसकी सामने से जब आ रही थी तो वो बड़ी छोटी सी लग रही थी, उसकी कमर टेढ़ी हुई हुई तीन जगह से, और उसका रूप भी कुरूप था, कुरूपिनी तो लोग उसे कुब्जा कहते थे। पर मेरे भगवान उसका अंग प्रत्यंग नहीं देखा कि टेढ़े हैं कि कैसे हैं, उसकी सुंदरता नहीं देखते हैं कि वो गोरा है या सुंदरता में काला है या सुंदरता में गोरा है, रूप रंग आयु संग उसकी कितनी PhD है कितनी डिग्रियां हैं ये नहीं देखते, कि वो भगवान से पास से गुजरी तो भगवान ने कहा रही ओ सुंदरी, वो पहले नहीं, फिर कहा रही ओ सुंदरी, तो उसने कहा मुझे सुंदरी, कहा हाँ, तो वापस आई, कहा अपने मुझे सुंदरी, कहा कि हाँ तुम ही हो सुंदरी तो तुम्हें ही कहेंगे, तो उसने कहा ऐसे मेरा नाम है सैरेंद्री, पर मेरी कमर टेढ़ी है इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, मैं कंस के यहाँ पर चंदन लगाती हूँ उनके, उनको मेरा किसा चंदन बड़ा पसंद है। तो भगवान ने कहा अच्छा क्या तुम आज हमारे चंदन लगाओगी, तो उसने कहा जरूर, सभी भगवान की सखाओं के चंदन लगाकर मेरे भगवान के चंदन लगाने को ही, तो भगवान ने एक पैर रखा उसके पैर पर, अपनी अंगुलियां उसकी ठोड़ी से लगाकर उसकी ठोड़ी जैसे ही ऊंची की कि मेरे कृष्ण ने उसके कुब्जापन को भी हटा दिया और उसको सचमुच सेंद्रे बना दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।